दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे थे। करीब साल भर से चल रहे इस आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा। हालांकि पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार को किसी कानून को वापस लेना पड़ा हो। इससे पहले भी एक बार वे किसानों के विरोध के चलते कानून वापस ले चुकी है। आइए जानते हैं कि वे कानून क्या था और क्यों तब सरकार कानून वापस लेने को मजबूर हो गई थी। साल 2013 तक देश में जमीनों का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत होता था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने अंतिम दिनों में इस 110 साल पुराने कानून को बदला और इसकी जगह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लेकर आई। लेकिन साल 2014 में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इस कानून को बदलने की ठान ली, जिसका पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। मोदी सरकार का कहना था कि उसके द्वारा लाए जा रहे भूमि अधिग्रहण विधेयक से लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा और अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी। नए कानून में जमीन से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्निवास और दूसरी जगह घर दिलवाने का भी वादा किया गया था। मोदी सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण विधेयक में कुछ ऐसी बातें भी जोड़ी थी जिस पर पूरे देश में हल्ला मच गया था। इस विधेयक के जरिए जो बदलाव 2013 के कानून में होने वाले थे उन्हें पूरी तरह से किसान विरोधी माना जा रहा था। उदाहरण के लिए साल 2013 के कानून में ये भी प्रावधान था कि कोई भी जमीन सिर्फ तभी तक अधिग्रहित की जा सकती है जब कम से कम 70% जमीन मालिक इसके लिए अनुमति दे। इस प्रावधान को किसानों के लिए सबसे हितकारी माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार के संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों और उन पर पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों के मूल्यांकन का जो प्रावधान 2013 के कानून में था उसे भी इस विधेयक से हटा दिया गया था। 2013 के कानून में ये भी प्रावधान था कि यदि अधिग्रहण के 5 साल के भीतर जमीन पर वे कार्य शुरू नहीं किया जाता जिसके लिए वे अधिग्रहित की गई थी तो वे जमीन उसके मूल मालिकों को वापस कर दी जाएगी। इस प्रावधान को कुंद करने के उपाय भी 2014 के संशोधन विधेयक में किए गए थे। मोदी सरकार पर इस संशोधन विधेयक के चलते ये भी आरोप लगे थे कि वे इसके जरिए दोषी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल साल 2013 में कानून में प्रावधान था कि यदि भूमि अधिग्रहण के दौरान सरकार कोई बेमानी या अपराध करती है तो संबंधित विभाग के अध्यक्ष को इसका दोषी माना जाएगा। लेकिन मोदी सरकार के संशोधन विधेयक में कहा गया था कि किसी सरकारी अधिकारी पर सरकार की अनुमति के बिना कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक में शामिल इन्हीं तमाम विवादास्पद पहलुओं के चलते उस समय मोदी सरकार चौतरफा घिरने लगी थी। जनता के बीच ये संदेश बेहद मजबूती से फैल चुका था कि भूमि अधिग्रहण में जो संशोधन सरकार करना चाहती है वे पूरी तरह से किसान विरोधी और कॉरपोरेट के हित साधने वाले हैं। विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा के कई सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर प्रमुखता से सरकार के विरोध में उतर आए थे। शिवसेना ने तो इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। शिवसैनिकों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों को भूमि अधिग्रहण के कुप्रभाव बताएं। इसके अलावा अकाली दल और लोजपा ने भी इस विधेयक के कई प्रावधानों के खिलाफ सार्वजनिक तौर से नाराजगी जताई थी। विधेयक का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 31 अगस्त 2015 को केंद्र की मोदी सरकार ने अपना संशोधन विधेयक वापस लेने का ऐलान कर दिया था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभय ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।